सो गाइस, एक और बार फिर से बिग बॉस के घर में हुआ नॉमिनेशन टास्क, मगर ये नॉमिनेशन टास्क कुछ अलग था, क्योंकि इस बार सभी घर वालों को ये पावर दी गई कि आप किसी भी एक कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर सकते हो। दरअसल टास्क कुछ ऐसा था कि बिग बॉस ने सभी घर वालों के गले में एक एक कंटेस्टेंट की फोटो लटकाई थी और कहा कि आप उस घर वाले को नॉमिनेट कर सकते हो अगर आप सबसे पहले बजर बजा देते हो, और बजर बजाने से पहले आपको ये भी बताना है कि आप उस सदस्य को क्यों नॉमिनेट करना चाहते हो और वो क्यों इस घर के अंदर रहने के लायक नहीं है। और फिर वो कंटेस्टेंट फोटो को चूल्हे में जलाकर उसको नॉमिनेट कर देगा, जिसके बाद फिर सभी घर वाले एक दूसरे को कन्विंस करने लग जाते हैं कि आप हमें नॉमिनेट मत करो और हम घर के अंदर रहने के लायक हैं क्योंकि हम सारी ड्यूटीज को जानते हैं। मगर इसी दौरान अभिजीत और घनश्याम एक दूसरे को कन्विंस नहीं करते, क्योंकि घनश्याम के गले में अभिजीत का लॉकेट होता है और अभिजीत के गले में वैभव का लॉकेट होता है। इसके बाद फिर निकी अभिजीत से कहती है कि तू घनश्याम को जाके क्यों नहीं कन्विंस कर रहा। इसके बाद फिर अभिजीत कहता है कि मुझे वैभव घनश्याम इन दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और मैं जानता हूँ कि ये दोनों मुझे नॉमिनेट करके ही रहेंगे, तो मैं क्यों जाकर उनसे कन्विंस करूँ और मैं भी वैभव को नॉमिनेट करना चाहता हूँ। तो अब देखना ये होगा कि इस नॉमिनेशन टास्क में कौन सा सदस्य होता है नॉमिनेट। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।